हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सावन महीने में जन्मी हिंदू छोटी लड़कियों के लिए एकदम अनसुने और काफी यूनिक से नाम और साथ ही नामों के अर्थ भी बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको आपकी बेटी के लिए कोई एक अनसुना सा नाम छूट जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से बेबी नेम्स की एकदम नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नाम मैं आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ पीयूषा। एंड पीयूषा नेम की मीनिंग होती है अमृत। तो पीयूषा नाम बोलने में पी लेटर का बहुत ही संस्कारी सा नाम है, तो आप अपनी बेटी के लिए पीयूषा नाम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेम इज सिया। एंड सिया नेम की मीनिंग होती है गॉडेस सीता। तो सिया नाम इस समय का काफी यूनिक सा नाम है, तो यह नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज लतीछा। एंड लतीछा नेम की मीनिंग होती है वेलकम। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ रितिका। एंड रितिका नेम की मीनिंग होती है गॉडेस पार्वती। तो रितिका नाम आ लेटर का काफी अनसुना सा नाम है, तो यह नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट नेम इज स्मृति। एंड स्मृति नेम की मीनिंग होती है हैप्पीनेस। अगला नाम मैं आपकी ब्यूटीफुल डॉल के लिए सजेस्ट करूंगी मिष्टिका। एंड मिष्टिका नेम की मीनिंग होती है स्वीटनेस। तो मिष्टिका नाम आपकी बेटी के लिए काफी प्यारा सा नाम रहेगा। नेक्स्ट नाम मैं लेकर आई हूँ वैशाली। एंड वैशाली नेम की मीनिंग होती है प्रिंसेस। अगला नाम मैं आपकी बेटी के लिए सजेस्ट करूंगी अनिशा। अनिशा नाम वास्तव में ए लेटर का बहुत ही मॉडर्न और काफी यूनिक सा नाम है, और इस नेम की मीनिंग होती है क्लोज। नेक्स्ट इज विश्रुति। एंड विश्रुति नेम की मीनिंग होती है फेमस, और विश्रुति नाम का हिंदी में अर्थ होता है मशहूर। अगला नाम है दीक्षिता। एंड दीक्षिता नेम की मीनिंग होती है फोकस्ड। तो दीक्षिता नाम आप अपनी बेटी के लिए चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अब तक की सभी वीडियो में से बहुत ही प्यारी वीडियो लगी होगी, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।